आज है 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। व्यापारियों को एक और राहत देने जा रही योगी सरकार, जीएसटी के विवादों को लेकर बड़ा फैसला। यूपी की योगी सरकार माल व सेवा कर टैक्स को लेकर व्यापारियों को बड़ी राहत देने वाली है। जीएसटी के विवादों के समाधान के लिए सरकार जल्द ही यूपी के 5 जिलों लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा व गाजियाबाद में ट्रिब्यूनल खोलने जा रही है। इसके खुलने के बाद व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी, उनके जीएसटी टैक्स के विवादों के समाधान की राह आसान होगी। इसमें कुल 4 सदस्य होंगे, 2 न्यायिक सेवा और 2 में एक केंद्र व एक राज्य कर सेवा का अधिकारी होगा। मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस कोर्स की 1945 सीटें खाली, सीटों का विकल्प भरने के लिए ये है आखिरी तारीख। मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस कोर्स की 1945 सीटें खाली हैं, वहीं बीडीएस कोर्स की 746 सीटें रिक्त हैं। ऐसे में एमबीबीएस व बीडीएस कोर्स की कुल 2691 सीटें खाली हैं। दूसरे चरण के दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। सोमवार से मनपसंद सीटों का ऑनलाइन विकल्प भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई और ये 26 सितंबर तक चलेगी। रेलवे स्टेशन पर पहली बार 15 भाषाओं में होगा अनाउंसमेंट, एनसीआर प्रशासन कर रहा इंतजाम। महाकुंभ में देश के तमाम प्रांतों से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष भाषा का संकट न आए, इसके लिए उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन एक खास इंतजाम करने जा रहा है। देश में पहली बार प्रयागराज में रेलवे हिंदी, अंग्रेजी ही नहीं बल्कि 15 प्रमुख भाषाओं में अनाउंसमेंट करवाएगा। ये व्यवस्था प्रयागराज जंक्शन के साथ संगम क्षेत्र में रेलवे द्वारा बनाए जाने वाले शिविरों में भी की जा रही है। जापानी कंपनी कुबोटा यमुना एक्सप्रेसवे पर बनाएगी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। जापान की प्रमुख कंपनी कुबोटा ने उत्तर प्रदेश में एक बड़े निवेश की योजना बनाई है। कंपनी भारतीय ट्रैक्टर निर्माता एस्कॉर्ट के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाकर जेवर एयरपोर्ट के पास एक विशाल ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगी। इस परियोजना में 4,500 करोड़ रुपए का भारी निवेश किया जाएगा, जिससे 15,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। कंपनी ने सरकार से 250 से 300 एकड़ जमीन की मांग की है, खासकर ऐसे स्थान पर जो एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और ट्रेन की सुविधाओं से लैस हों। गोरखपुर से इन शहरों के लिए चलेंगी इलेक्ट्रिक बसेस। यूपी के गोरखपुर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिसंबर के पहले सप्ताह से अयोध्या, वाराणसी समेत अन्य प्रमुख शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन शुरू हो जाएगा। क्षेत्रीय परिवहन निगम ने 20 नई इलेक्ट्रिक बसेस के प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने में सफलता प्राप्त की है। महाकुंभ से 15 लाख आबादी को मिलेगी निर्बाध आपूर्ति। महाकुंभ 2025 जिले की 15 लाख आबादी को बिजली संकट से मुक्ति दिलाएगा। निर्माणाधीन उपकेंद्रों के साथ तमाम जगह क्षमता को बढ़ाया जा रहा है, इससे बड़ी आबादी को राहत मिलना तय है। हेतापट्टी में 132/11 केवी न्यू बेली उपकेंद्र का निर्माण हो रहा है। अब तक हनुमानगंज में उपकेंद्र होने के कारण कोई फॉल्ट होने पर मेला क्षेत्र में आपूर्ति बाधित होती थी। ऐसे में झूसी में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र को नई 33 केवी लाइन बनाकर जोड़ने से झूसी, आवास विकास, त्रिवेणीपुरम, सहसो, हेतापट्टी में लगभग 2.5 लाख की आबादी को निर्बाध आपूर्ति मिलेगी। ग्रेटर नोएडा यूनिटेक के यूनिहोम्स 3 में 6 अक्टूबर से शुरू होगा काम। 2010-11 से फंसे हैं 1800 बायर्स। ग्रेटर नोएडा स्थित यूनिटेक के यूनिहोम्स 3 प्रोजेक्ट में 6 अक्टूबर से काम शुरू होने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 1800 बायर्स फंसे हैं, जिन्हें अगले 2 से 2.5 साल में अब घर मिलने की उम्मीद बन गई है। 2010-11 में इन बायर्स ने फ्लैट्स की बुकिंग कराई थी, तब से बायर्स किराए के साथ किश्त की मार भी झेल रहे हैं। यूपी के शहरों में घर बनाना अब नहीं रहेगा आसान, रुक जाएगी मनमानी, योगी सरकार बना रही खास प्लान। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले 63 शहरों के लिए भी मास्टर प्लान तैयार करने जा रही है। मास्टर प्लान लागू होने के बाद इन शहरों में भी महानगरों की तर्ज पर भू उपयोग के आधार पर नक्शा पास किया जाएगा, जिससे भवन निर्माण में मनमानी रुकेगी। इसे लेकर आवास विभाग में उच्च स्तर पर सहमति बन गई है। सरकार ने इससे पहले 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया था। 300 बेड अस्पताल को राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने की कवायद, शासन को भेजी गई रिपोर्ट। बरेली में हस्तांतरण के 4 साल बाद भी 300 बेड अस्पताल का संचालन शुरू नहीं हो सका, अब इसे राजकीय मेडिकल कॉलेज के तौर पर संचालित करने के आसार बन रहे हैं। हाल ही में शासन ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी। अस्पताल में उपलब्ध संसाधन, सुविधाएं, कितनी भूमि और मानव संसाधन की जरूरत है आदि की संकलित रिपोर्ट शासन को भेज दी गई।
गंगा नदी पर दो दो लेन के दो पुल बनेंगे। यूपी सीधा देगा बजट, 5 अरब है दोनों पुलों की अनुमानित लागत। गंगा नदी के उस पार ट्रांस गंगा सिटी होते हुए लखनऊ जाने के लिए गंगा पर बनने वाले पुल को लेकर सेतु निर्माण निगम की ओर से किए गए सर्वे को मंडलायुक्त अमित गुप्ता की ओर से मंजूरी मिल गई। पहले एक पुल 4 लेन का बनाया जाना था, अब दो दो लेन के अगल बगल 2 पुल बनाए जाएंगे। पहला पुल धोबी घाट और दूसरा रानी घाट पर बनाने के लिए जगह देखी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बजट से पुलों का निर्माण सेतु निर्माण निगम की ओर से किया जाएगा। यूपी राज्य कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, जल्द बढ़ाया जाएगा 4% डी। उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जल्द गुड न्यूज आने वाली है। दरअसल सरकार दशहरे से पहले राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। योगी सरकार के इस फैसले से 15 लाख कर्मचारियों और 8 लाख से अधिक पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि राज्य सरकार गैर राजपत्रित कर्मचारियों के लिए भी बोनस का ऐलान कर सकती है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगल से रात में गुजरे तो दिखानी होगी आईडी, 10 घंटे की नियमित होगी चेकिंग। पिछले दिनों माला रेंज के अंतर्गत जंगल में हुई घटना के बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने अहम निर्णय लिया। अब पीटीआर से जुड़े रास्तों पर अगर रात में गुजरते हैं तो अपनी पहचान बतानी होगी, आईडी न देने पर कार्रवाई होगी। इसके लिए टीम को गठित कर दिया गया ताकि नियमित 10 घंटे चेकिंग की जा सके। यूपी में 6 महीने तक परेशान करेगी बिजली, अभी कई हिस्सों में काम होना है बाकी। राजधानी में उपभोक्ताओं को बिजली संकट का सामना कम से कम अभी 6 माह और करना होगा, क्योंकि कार्यदायी संस्था एनसीसी जो एरियल मंच केबल का काम कर रही है वो बहुत धीमी गति से किया जा रहा है। एक एक मोहल्ले में कई कई दिन लग रहे हैं। सुबह 10 बजे बिजली काट दी जाती है और शाम 5 बजे तक नहीं आती। 7 से 8 घंटे बिजली संकट का सामना उपभोक्ताओं को करना पड़ रहा है। लोगों की जान को खतरा बने, 76 मकानों पर चलेगा बुलडोजर, नगर निगम विशेषाधिकार से कराएगा ध्वस्तीकरण। शहर में अति जर्जर चिन्हित किए गए मकानों पर नगर निगम का बुलडोजर चलेगा। निगम प्रशासन अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर इन भवनों का ध्वस्तीकरण कराएगा। अति जर्जर मकान लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। जल्दी इन मकानों को जमींदोज करने की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम प्रशासन की ओर से अति जर्जर मकानों को चिन्हित करने के साथ ही भवन स्वामियों को नोटिस दी गई थी। भवन स्वामियों को जल्द मकान खाली करने और इसके ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था ताकि भविष्य में किसी तरह की अप्रिय घटना न होनी पाए। रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट की तरह टिकट दिखाकर मिलेगी एंट्री। रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट की तरह टिकट दिखाकर ही प्रवेश मिलेगा। होली, दिवाली, छठ जैसे त्योहारों के दौरान रेलगाड़ियों में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर आरक्षित व अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों को अलग गेट से प्रवेश देने की योजना पर काम किया जा रहा है। वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को भी स्पेशल रेलगाड़ी से ही सफर करने की अनुमति मिल सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ने ब्रिटिश संसद में की गाय गंगा और गीता की बात, कृष्ण के कर्मयोग की चर्चा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने विकसित भारत 2047 विषय पर ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित किया। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत गाय गंगा और गीता से की। उन्होंने कहा कि इसके बगैर हमारा परिचय अधूरा है। हम उस देश के वासी हैं जहां हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है की तहजीब है। उन्होंने भगवान श्री राम के आदर्श और कृष्ण के कर्मयोग की चर्चा की। तिरुपति मंदिर के लड्डू विवाद का यूपी में असर, लखनऊ के इस मंदिर में बाहर के प्रसाद पर लगा बैन। तिरुपति का लड्डू विवाद के बीच अब यूपी के लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में बाजार से खरीदा गया प्रसाद बैन कर दिया गया। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद मनकामेश्वर मंदिर के महंत दिव्य गिरी ने बाहर से लाए गए प्रसाद को मंदिर में चढ़ाने पर रोक लगा दी। इस बारे में महंत दिव्य गिरी ने बाकायदा सूचना जारी कर कहा कि भक्त अपने घरों से बनाया प्रसाद या सूखे मेवे ही गर्भगृह में चढ़ाने के लिए पुजारी को दें। ये व्यवस्था सोमवार सुबह से लागू हो गई है। मिर्जापुर में बोले सीएम योगी। सीएम ने मिर्जापुर के मंच से कहा कि मैं सबसे पहले मां विंध्यवासिनी के चरणों में यहां के 765 करोड़ की योजनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। इन योजनाओं का लाभ आप सभी को मिले, इसके लिए मां विंध्यवासिनी से प्रार्थना करता हूं। आज ये मंच अनेक योजनाओं को लेकर आया है। ये जनपद विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संदेश पर अपना योगदान दे पाएगा, इसलिए ये मंच लगा है। वंदे भारत ट्रेन के ट्रैक पर एनईआर के ड्राइवर्स ने किया प्रदर्शन। जो कभी ट्रेन को पटरी पर दौड़ाते थे वो पटरी पर बैठकर प्रदर्शन करते दिखे। मामला वाराणसी का है और आरोप है कि यहां वंदे भारत ट्रेन को एनईआर के क्षेत्र में भी एनसीआर के चालकों द्वारा ट्रेन को चलवाया जा रहा है।
योगी सरकार में अधिकारी बेलगाम, भ्रष्ट किसी की नहीं सुनते, सरकार इन पर कंट्रोल करे, संजीव बालियान बोली। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अधिकारी बेलगाम हैं, भ्रष्ट हैं, किसी की सुनते नहीं, सरकार को चाहिए कि इन पर कंट्रोल करे। ये पीड़ा मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की है। गंगा के जलस्तर में गिरावट की रफ्तार तेज, 5 सेंटीमीटर प्रति घंटा घट रहा जलस्तर। गंगा के जलस्तर में गिरावट की रफ्तार तेज हो गई। सोमवार को 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर कम हो रहा है। आपको बता दें कि इससे तटवर्ती इलाके के लोगों में काफी राहत है। लोगों के घरों में घुसा पानी निकल गया, वहीं घाटों की सीढ़ियां और मंदिरों में भरा पानी भी कम हो रहा है। एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीम गंगा के जलस्तर की निगरानी कर रहा है। फिर चल पड़ा चंद्रयान 3, प्रज्ञान ने कर दी बहुत बड़ी खोज, चांद पर नया कारनामा। भारत में चंद्रयान 4 मिशन पर सरकार की मोहर लग गई है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी। इस बीच चंद्रयान 3 ने भी काम जारी रखने के संकेत दिए। सितंबर 2023 में गहरी नींद में किए गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर 1 साल बाद भी काम में जुटे हैं और जानकारियां धरती तक पहुंचा रहे हैं। खबर है कि अब प्रज्ञान ने चांद सतह पर एक विशाल क्रेटर की खोज की। नक्शाबास न कराने वालों पर ईडा ने दिखाई सख्ती, 1100 को भेजे नोटिस। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन से पहले क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाने की तैयारी है। प्राधिकरण ने औद्योगिक सेक्टर्स के 1096 आवंटी को चिन्हित कर नोटिस जारी किए, जिन्होंने भूखंड की लीज डीड तो करा ली लेकिन आवंटन के कई माह बाद भी नक्शा पास नहीं कराया। 3 हफ्तों तक रेल यात्रियों की रहेगी दिक्कत, यूपी दिल्ली के इन रूट्स पर ट्रेन डाइवर्ट, टाइम टेबल भी बदला। यूपी के मुरादाबाद धामपुर के बीच मेवा नवादा स्टेशन पर 29 सितंबर से रिमॉडलिंग का काम शुरू होगा। इसके लिए रेल मुखिया ने 20 अक्टूबर तक का ब्लॉक दिया है। ब्लॉक के दौरान 3 हफ्ते तक मुरादाबाद से लक्सर होकर देहरादून या रुड़की की तरफ आने जाने वाली ट्रेन प्रभावित रहेंगी। ट्रेन में सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। यूपी, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में ट्रेन का टाइम टेबल बदला है। इसके अलावा कुछ ट्रेन को डायवर्ट भी किया गया है। अब भारत पीछे नहीं रहता बल्कि नेतृत्व करता है। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने कहा, भारत रुकने और थमने वाला नहीं है। भारत चाहता है कि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा डिवाइस मेड इन इंडिया चिप पर चले। हमने सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी भारत की तेज ग्रोथ का आधार बनाया। अब भारत पीछे नहीं चलता, अब भारत नई व्यवस्थाएं बनाता है और नेतृत्व करता है। भारत आज अवसरों की धरती है, अब भारत अवसरों का इंतजार नहीं करता, अब भारत अवसरों का निर्माण करता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।